उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कामयाबी के पीछे मुसलमान हैं। मुसलमानों ने बीजेपी को वोट डाला है, जिसकी वजह से बीजेपी कामयाब हुई है, ये कहना है आलम पाशा का। सामाजिक कारकुन आलम पाशा ने कहा है कि बीजेपी के कामयाबी के पीछे मुसलमान हैं। आइए जानते हैं आलम पाशा क्या कह रहे हैं। यूपी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में मुसलमान बीजेपी का साथ दिया है, क्योंकि जो 235 जो नंबर्स हैं वहाँ पे पूरे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन से है, पूरे मुस्लिम जो है ना, ये ना एसपी का जो है, एसपी का उधर पे नहीं है, जाट लोगों का थोड़ा लिए, जिस जगह मुसलमान है उधर ही ज़्यादातर अपना बीजेपी नंबर्स हैं, बीजेपी आरएसएस ये लोगों को मालूम है ये। और ये करने का मतलब क्या है, उधर पे लीडरशिप नहीं है, यानी कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस के नाम से भड़काव के सिवा अपने चाहे पार्लियामेंट में वही एक ही जबान आएगी, गली में अपने मेलों में भड़काव के साथ, दूसरा डेवलपमेंट और उनकी इज्जत, इज्जत आती है उनकी डेवलपमेंट और उनका पढ़ाई इलम और इनको सिक्योरिटी और उनको सरकारी तरफ से उनको उनको जो मिलना है मुजावा ये दें, ये तीनों भी देने की बात नहीं है, सिर्फ भीख देने की बात की है इन लोग, इनके पीछे रखना चाहे इन्हों सही सबक मुसलमान भी कांग्रेस को उधर पर सिखाए। कुल मिलाकर सेकुलर पार्टियों को क्या सबक मिलता है इस इलेक्शन के रिजल्ट से, उनको क्या सबक सीखना चाहिए? सेकुलर का नाम एक क्राइम है, क्रिमिनल है ये नाम, सेकुलर का नाम से, अभी असदुद्दीन ओवैसी सेकुलर का नाम है, जेडीएस सेकुलर का नाम है, एसपी सेकुलर का नाम है, कांग्रेस उनके पिता हैं सेकुलर के नाम से, ये पूरे तमाम जो हो रहा है फ्रीडम 1946 से 2022 तक का पूरे चीज़ों को, पूरे उसूलों को हरा दिए इन्हों, उनका ये फेलर है। सेकुलर के नाम से उन्हें होना नहीं चाहिए, सेकुलर के नाम से जाना है तो इन्हों हिंदू भाइयों के साथ भी होना चाहिए, पहले रियाट कम करना चाहिए और कानून के ऊपर दखल देना, कानून यानी एनैक्टमेंट बनाने और कोर्ट को उनके मसले कैसे तय करना, जब एक घर पे ये कोई चीज़ों में 20 आदमी जेल में है तो उसको बोलते हैं क्रिमिनल घर, क्रिमिनल का ऑफेंस उनके ऊपर है, ऐसा मुसलमानों को सेकुलर के नाम, सेकुलर आता है मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, ये लोगों को तकलीफ दे देंगे, ये अपनी पीएम चेयर संभाल लेंगे, ये यूपी की सीएम चेयर संभाल लेंगे, इधर पे कांग्रेस के मुखिया बन जाएंगे, ये जो मकसद है उनका, ये पूरा गलत इलीगल क्रिमिनल मकसद है, वो मकसद को कम करना है इन्हों और तमाम इंटेग्रेट होके अपने डेवलपमेंट की बात करना, मुसलमान भाई लिंगायत और जाट तमाम को बता के डेवलपमेंट की बात जब तक ना करें तो फ्रीडम लेके हमारा फ़ायदा भी नहीं होगा और फ्रीडम के क्रिमिनल्स बन जाएंगे ये लोग।